क्लास 11 वर्ल्ड हिस्ट्री समय की शुरुआत से चैप्टर फर्स्ट मानव की उत्पत्ति का अध्ययन। इससे पहले कि मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बतलाऊं, जिन जिन छात्रों ने हमारे या जिन जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ अधिक से अधिक संख्या में फॉरवर्ड करें ताकि और भी बच्चे हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से क्लास 11 और 12th के बच्चे अधिक से अधिक संख्या में लाभान्वित हो सके। इसलिए फॉरवर्ड एंड सब्सक्राइब एंड लाइक करना ना भूलें। मानव की उत्पत्ति का अध्ययन के बारे में जानने का हमारे पास एकमात्र स्रोत पुरातात्विक साक्ष्य है और पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत औजार, हड्डी और चित्रकारी ये सभी आते हैं। अब चित्रकारी कैसे आते हैं, तो ये पहाड़ की गुफाओं में जो चित्रित किया हुआ चित्रकारी है वही आता है। हम देखते हैं कि मानव की उत्पत्ति का अध्ययन कब तक खोजा जा सकता है, तो 360,000 से लेकर 240,000 वर्ष पहले तक खोजा जा सकता है। यह वह समय था जब एशिया तथा अफ्रीका में स्तनपायी प्राइमेट प्राणियों का उद्भव हुआ। ध्यान देंगे, सारे मानव की उत्पत्ति का एक जो हुआ है वह प्राइमेट से हुआ है और इसका उद्भव कहाँ हुआ था, तो एशिया तथा अफ्रीका में। प्राइमेट्स के बाद एक इसका उपसमूह होता है यानी बट जाता है, इसका श्रेणी का डिवीजन हो जाता है, वह है होमिनोइड्स। फिर इसका भी डिवीजन हो जाता है होमिनिड में और इसका डिवीजन एपे में होता है। एपे करने का मतलब है वानर यानी मंकी यानी बंदर। दो प्रकार के साक्ष्यों से यह पता चलता है कि होमिनिडों का उद्भव अफ्रीका में हुआ था। सबसे प्राचीन होमिनिड जीवाश्म जो ऑस्ट्रेलोपिथिकस वंश के हैं, ये पूर्वी अफ्रीका में पाए गए हैं और उनका समय लगभग 56,00,000 वर्ष पहले का माना जाता है। याद रखेंगे, इसके विपरीत अफ्रीका के बाहर पाए गए जीवाश्म 18,00,000 वर्ष से अधिक पुराने नहीं हैं। तो क्लियर है कि मानव की उत्पत्ति अफ्रीकी महाद्वीप में हुई होगी, ऐसा हमें वर्तमान साक्ष्य और ऐतिहासिक साक्ष्य और ये समानता कोरिलेशन के आधार पर आज का जो स्टडी है अफ्रीका में बानवरों के ऊपर, ठीक है, बानवरों के ऊपर इसके आधार पर माना गया है। खोपड़ी का प्रकार, बानर की खोपड़ी क्या है? चार प्रकार के खोपड़ी के चित्र आपके बुक में दिए गए हैं जिसमें बानर की खोपड़ी के आकार बड़ी है और मुंह का जबड़ा आगे की ओर लंबे, मतलब थथुन जो है वो आगे की तरफ निकला हुआ है, दांत बिल्कुल आगे की तरफ निकला हुआ है दोनों जबड़े का, ऊपर और नीचे का। ख में है ऑस्ट्रेलोपिथिकस, खोपड़ी थोड़ा गोल आकार का है और थोड़ा कम लंबी जबड़ा है, किसकी तुलना में, तो बानर की तुलना में। इसका अर्थ होता है ऑस्ट्रेलोपिथिकस का, ऑस्ट्रल मीन्स होता है दक्षिणी और पिथिकस मतलब होता है वानर, मतलब दक्षिणी वानर। आप ध्यान देंगे जितना मैं आपको बतला रहा हूँ, ये सारा आपका ऑब्जेक्टिव्स एग्जामिनेशन में पूछेगा। ग है होमो एरेक्टस का, होमो एरेक्टस इसका मतलब होता है कि इसकी खोपड़ी जो होता है वो बिल्कुल ही ऊपर बानर और ऑस्ट्रेलोपिथिकस की तुलना में अब थोड़ा गोल होने लगा है पीछे की तरफ से, पीछे यानी गर्दन के ऊपर के बाद का जो माथा है, मस्तिष्क हमारा तीन भाग में बटा हुआ है, तो पीछे की तरफ से ऊपर बाल से होते हुए माथा और थथुन भी थोड़ा अंदर की तरफ गोल होने लगा है, आगे की तरफ निकला हुआ नहीं बल्कि गोल होने लगा है, और थोड़ा जबड़ा जो है कम लंबी है यानी बिल्कुल अब गोल आकार का जबड़ा लेता हुआ आज के मानव की थोड़ी सी एक कदम पीछे है। होमोसेपियंस इसके बाद क्या है, होमोसेपियंस दैट मीन्स आज के मानव, चिंतनशील मानव, ये बिल्कुल आज हम लोग किस रूप में हैं। और फिर आप बंदरों की तुलना कर लीजिए, गुरिल्ला की तुलना कर लीजिए कि गुरिल्ला का थथुन कैसे हो गया है, उसकी जबड़ा कैसे है। एक चीज आपका छूट गया कि होमो इरेक्ट का मतलब होता है सीधे खड़े होकर चलने वाला आदमी, आप याद रख लेंगे। इसी तरह होमो सेपियंस का अर्थ होता है चिंतनशील मानव, ज्ञानी मानव, और इसका कालखंड है
1.9 से लेकर 1.6 लाख वर्ष पूर्व इस कालखंड में होमो सेपियंस का आगमन हुआ। जबकि होमो इरेक्ट्स का आगमन कब हुआ, तो 18 लाख वर्ष पूर्व, आप याद कर लेंगे तिथि। प्राइमेट स्तनपाई प्राणियों का समूह और उपसमूह है, ठीक है, और इसमें वानर, लंगूर और मानव शामिल हैं। अब आपसे अगर कोई पूछे कि प्राइमेट है क्या, तो एक स्तनपाई प्राणियों का समूह है। स्तनपाई का मतलब होता है जो जीव अपने बच्चे को जन्म देती हो, दूध पिलाती हो, वो स्तनपाई कैटेगरी में आते हैं। वानर है, लंगूर है, मानव है। एक और इंपॉर्टेंट है कि होमो का अर्थ क्या होता है। होमो का अर्थ होता है स्त्री और पुरुष, यानी पुरुष स्त्री। जब भी होमो का नाम लेंगे तो समझ जाना कि मेल फीमेल एक साथ रहेगा, वो मेल फीमेल। कालखंड इसका क्या है, यानी कि होमो का आगमन कब हुआ था, तो 25 से 20 लाख वर्ष पहले होमो का आगमन हुआ था। तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज किसने की थी, ऑल्डो बाई गॉर्ज ने किया था। इसके साथ मेरी और लुइस लिकी का नाम जुड़ गया, और ये एक जर्मन तितली संग्राहक थे। 17 जुलाई 1959 ईस्वी को ऑस्ट्रेलोपिथिकस की खोज किया था। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की पुस्तक किसकी है, ये चार्ल्स डार्विन की पुस्तक है। इन्होंने इस बुक में पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं लगभग उनका वर्णन करने का प्रयास किया। दरअसल इनका एक थ्योरी है चार्ल्स डार्विन का, विकासवाद का सिद्धांत है। इन्होंने समझाया है कि कैसे विकास हुआ इस धरती पर, बहुत ही बारीकी से एनालिसिस करके समझाया है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप इंटरनेट पर सर्च करेंगे चार्ल्स डार्विन और उनकी जो विकासवाद का सिद्धांत है, इसको पढ़िए और समझिए आप लोग। जीवाश्म शब्द का प्रयोग किस लिए किया जाता है, किन रूपों में किया जाता है। एक अत्यंत पुराने पौधे, जानवर या मानव के उन अवशेषों या छापों के लिए प्रयुक्त किया जाता है जो एक पत्थर के रूप में बदलकर अक्सर किसी चट्टान में समा जाते हैं और फिर लाखों सालों तक उसी में रूप में पड़े रहते हैं। तो अब देखिए पॉइंट नंबर 13 है कि अफ्रीका में क्या क्या हुआ। तो अफ्रीका, अफ्रीकी महाद्वीप में गुफाओं में चित्रकारी की शुरुआत 27,500 ईसा पूर्व में हुआ। पशुओं और कुत्तों को कब पालतू बनाया गया, तो 7,000 से लेकर 6,000 ईसा पूर्व के बीच में बनाया गया। प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में ही हुआ था 776 ईसा पूर्व में, और तब से लेकर आज तक ओलंपिक खेल लगातार हो रहे हैं। लोहे का प्रयोग 1100 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व में हुआ। एथेंस में प्रजातंत्र की स्थापना 500 BC से लेकर 400 BC के बीच में हुआ था। वही एथेंस जो यूनान में आपने देखा कि प्रथम ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी। यानी लोकतंत्र का प्राचीन प्रमाण हमें मिलता है एथेंस में स्थापना होने का। रोम गणराज्य की स्थापना 510 ईसा पूर्व में हुआ है। प्रारंभिक कृषक बस्तियां बलूचिस्तान में पाई गई है, वो दक्षिणी एशिया में पड़ता है, और इसकी शुरुआत जो हुई थी 7000 ईसा पूर्व से लेकर 6000 ईसा पूर्व के बीच में। मेसोपोटामिया में लेखन का प्रयोग, यानी पहली बार पूरी दुनिया में लेखन कला के आगमन का संकेत या आगमन का प्रयोग हुआ है, वह है 3200 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 321 ईसा पूर्व। होमो हैबिलिस का मतलब क्या होता है, दरअसल ये एक मानव प्रजाति हैं और ये उस दौर में औजार बनाने वाले मानव की श्रेणी में आते थे। और इनके जीवाश्म की प्राप्ति कहाँ से हुई है, तो इथियोपिया में ओमी नदी बेसिन क्षेत्र और तंजानिया में ओल्डो बाई गॉर्ज से हुआ है, ठीक है। कालखंड इसका क्या है, 22 लाख वर्ष पूर्व। अब देखिए होमो इरेक्ट्स का प्राचीनतम साक्ष्य, अभी आपने देखा ना कि सीधे खड़े होकर चलने वाला आदमी, इसका मतलब ये सीधा खड़ा होकर चलता होगा, ठीक है, के प्राचीनतम जीवाश्म अफ्रीका और एशिया दोनों महाद्वीप में पाए गए हैं। जर्मन के शहर हाइडलबर्ग, यानी जर्मनी में एक प्लेस है हाइडलबर्ग, यहाँ पर जिन मानव के जीवाश्मों की प्राप्ति हुई उसे होमो हाइडलबर्गेसिस कहा गया, और इसकी प्राप्ति 8 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। जबकि नियंडर घाटी में पाए गए जीवाश्मों को, ये जर्मनी में ही है, होमो नियंडर थलैसिस श्रेणी में रखा गया,
और ये यूरोप में मिले सबसे पुराने जीवाश्म हैं। फिर देखते हैं कि आज जो आदमी मर जाता है तो कुछ धर्म में प्रथा है, कुछ लोगों में प्रथा है कि इसको दफना दिया जाए। दरअसल इस प्रथा की शुरुआत का सबसे पहला साक्ष्य 3 लाख वर्ष पूर्व मिला है, यानी तब से लेकर 3 लाख वर्ष पूर्व से लेकर आज तक दफनाने की प्रक्रिया जारी रही है। होमो इरेक्टस का लोप हो जाता है 2 लाख वर्ष पूर्व, स्वर तंत्र का विकास 2 लाख वर्ष पूर्व, भारत में आद्य होमो सेपियंस की खोपड़ी नर्मदा घाटी 2 लाख से लेकर 1.5 लाख वर्ष पूर्व मिले हैं, 1,30,000 वर्ष पूर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। चूल्हों के इस्तेमाल के बारे में सबसे पहला साइज 1,25,000 वर्ष पूर्व, आग में पकाई गई चिकनी मिट्टी की छोटी छोटी मूर्तियों का पहला साक्ष्य, यानी आग में पका करके जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है या मूर्ति बनाया जाता है, ठीक है, या दिया बनाया जाता है, उसका पहला साक्ष्य 27,000 ईसा पूर्व और तब से लेकर आज तक जारी है। सिलाई वाली सुई का आविष्कार, यानी जिस सुई से आप कपड़े को सीते हो वो आज का नहीं है, वो बिल्कुल ही 21,000 वर्ष पूर्व का है। तो पत्थर के औजार बनाने और उनके इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथियोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त होता है, और यह संभव है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए थे। किस मानव प्रजाति ने पत्थर के सबसे पहले औजार बनाए थे? तो ऑस्ट्रेलोपिथिकस ने। फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स एंड सोवे गुफा चित्रकारी के लिए फेमस है, अल्टामिरा गुफा स्पेन में है चित्रकारी के लिए फेमस है, और अंतिम में है कुंगसेन और हाजा, ये शिकारी संग्राहक समाज के लोग थे जो अफ्रीकी महाद्वीप में विचरण करते थे, रहते थे। मैंने इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स तो आपसे करा दिया है, लेकिन फिर भी आप ध्यान देंगे कि हमने जो क्लासेस ली है चैप्टर फर्स्ट का, आप उसको बारीकी से सुन करके और किताबों के साथ आप पढ़ेंगे तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव्स ना छूटेगा और ना ही आपकी समझ से कोई टॉपिक बाहर होगा। मुझे उम्मीद है कि मेरा ये चैनल आपको अच्छा लगा होगा। फिर से मैं आपको दोहरा दे रहा हूँ कि लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए।